many congratulations आपके exam HCS जो आपने clear किया है, so कैसा लग रहा है आपको? सर काफी अच्छा लग रहा है। और parents का क्या response रहा? सर parents काफी खुश हुए impact। तो friends वगैरह के साथ party and all सब हो चुका है? Yes sir, party चल रही है अभी तो चल रही है। जी। तो sir क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि अब आपने एक prestigious exam जो clear किया है state services में, तो बाकी अब हमारे जो और aspirants हैं, तो उनको आप किस तरह से inspire करना चाहेंगे? कि प्रिपरेशन में जरूर आपके भी कभी ना कभी शायद कहीं ना कहीं थोड़े से लैक्स आए होंगे, तो कैसे जो है एग्जाम जो बच्चे इस बार नहीं क्लियर कर पाए आपके साथ और बहुत ने दिया होगा, तो कैसे वो अपने आप को इंस्पायर्ड रखें? सर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इस एग्जाम को थोड़ा स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा कभी कभी इनिशियल फेजेस में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, कि जैसे कभी हमें पता नहीं लगता कि करंट अफेयर कैसे करने हैं या जीएस बेसिक कैसे करना है। तो जैसे मैंने कॉलेज टाइम पे ही स्टार्ट किया था और अभिमन्यु के साथ ही मॉर्निंग बैच में अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट किया तो उस टाइम पे ये जरूरी है कि हमें मतलब कंटिन्यूअसली टीचर्स को नर्च करते रहना चाहिए और उनसे जो भी है अपने करंट अफेयर के नोट्स हैं, जो भी जीएस की आपकी स्ट्रेटजी है, उनको मतलब एकदम आप करते रहो बार बार कि कैसे सर इसको मैं ठीक कर सकता हूँ या क्या कर सकता हूँ। फिर जब आपको एक बार ऐसा लेवल आ जाता है कि आपको खुद पता लग जाएगा कि इसके बाद हाँ अब मैं सही ट्रैक पे हूँ, तो फिर उसके बाद जो भी आपकी वो स्ट्रेटजी बनेगी फिर उसके ऊपर मुझे लगता है कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते उसके ऊपर स्टिक इन करना चाहिए। और फिर जैसे उस चीज़ के ऊपर जैसे मेरा ये था कि उन्होंने माइक्रो नोट्स बनाने हैं, करंट अफेयर के नोट्स बनाने हैं, कंसोलिडेट बनाने हैं, तो एक बार जब सारा मुझे इधर उधर से पता लग गया कि ये है फिर उसके बाद मैंने फिर स्टिक इन। मतलब आप व्यूअर्स को नोट्स मेकिंग पे हम अच्छे से फोकस करें, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का। जी तो सर अब आपकी पोस्ट जैसे कि मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि सर को डीएसपी की पोस्ट अलॉट हुई है, तो सर कुछ क्योंकि जब भी हम एस्पायर कर रहे होते हैं तो हम सोच रहे होते हैं कि अगर मैं ये बन गया तो मैं ये करना चाहूंगा, तो ऐसा कुछ आपने सोचा होगा कभी कि अगर मैं पुलिस में चला गया तो आई विल लाइक टू डू दिस, तो कुछ शेयर करना चाहेंगे? सर एक्चुअली सर मेरा ये मानना है कि जैसे हमारी सोसाइटी में एज वी ग्रो अप बिकॉज ऑफ आर सोसाइटी इन बॉलीवुड, तो डीएसपी आई थिंक इज मोस्ट विजिबल, डीएसपी एज इन पुलिस मोस्ट विजिबल काइंड ऑफ सिविल सर्विसेज है बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म, एंड ऑल्सो इन माई फैमिली दो तीन डीएसपीज हैं और पुलिस में हैं। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही मैं मतलब एंटर हुआ तो पहले तो मैंने अपने उन्हीं को रोल मॉडल माना और उन्हीं से ही डिस्कस किया और उन्होंने मुझे कंग्रेचुलेट किया और उन्होंने मुझे थोड़े टिप्स दिए हैं कि कैसे हमें सब कुछ बैलेंस करके चलना होता है कैसे कर सकता। और सर अभी लगता है कि अभी स्टार्ट होगा तो जो जो मैंने सोचा हुआ है कि एज अ पुलिस सर्वेंट मैं जो कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो मैं सर पूरी कोशिश करूंगा सर करने की। सो बेस्ट ऑफ लक सर, ताकि आप सोसाइटी को और कंट्री को अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाए। थैंक यू वेरी मच एंड कांग्रेचुलेशंस।